नमस्कार दोस्तों, मैं उज्जवल और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माई पाठशाला एंड पाठशाला रेलवे एग्जाम पे। तो आज के दिन की शुरुआत करेंगे करंट अफेयर के पहले क्वेश्चन के साथ, और ये है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य निम्न में से कौन बन गया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। इस क्वेश्चन का जवाब जानेंगे। उसके पहले अगर आपको ये करंट अफेयर की वीडियोज़ पसंद आ रही हो तो नीचे लाइक का बटन हिट करके मेरा उत्साह बढ़ाइएगा। राइट साइड में जो है वीडियो का जो है टाइमर चल रहा होता है जिस वक्त मैं रिकॉर्ड करता हूँ इसे, तो रात के बज रहे हैं 12 और मैं आपके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ करंट अफेयर। सो आप समझ रहे हैं ना कि कितना मेहनत है और कितना हैक्टिक जॉब है ये आप लोगों के लिए करंट अफेयर की वीडियोज़ ले आना। और वैसे भी ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैं इंग्लिश का टीचर ठहरा हूँ, लेकिन करंट अफेयर की क्लासेज रोजाना सुबह मैं टाइम के साथ कंटिन्यू कर रहा हूँ। सो आप लोगों का प्यार बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि रेगुलर करंट अफेयर चलता रहे और मेरे अंदर जोश और उत्साह बढ़ा रहे इस करंट अफेयर को पढ़ाने को लेके, क्योंकि इसके लिए बहुत सारा रिसर्च करना पड़ता है, बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती है, देन आपके सामने इसे लेके आना पड़ता है। तो चलिए फटाफट आज की ताज़ा खबरों को जानेंगे। और आज मैंने थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज किया, आप मुझे बताइएगा कि ये जो फॉर्मेट है वो आपको पसंद आ रहा है कि नहीं पसंद आ रहा है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट रूफटॉप ग्रीन हाउस जो है बनाया गया है कनाडा में, तो मॉन्ट्रियल के कनाडा में दुनिया का सबसे बड़ा रूफटॉप ग्रीन हाउस बनाया गया है। देख रहे हैं ये फिगर आपको साफ साफ यहाँ पे समझ में आ रही है, छत के ऊपर जो है ये पूरा का पूरा ग्रीन हाउस बनाया गया है। लूफा फॉर्म द्वारा एक वेयर हाउस के छत पर इसको स्थापित किया गया है, ये चौथा छत वाला ग्रीन हाउस है। ग्रीन हाउस मतलब समझिए कि क्या बनाया, ग्रीन हाउस वेजिटेबल्स उस पर लगाए जाएंगे। कौन कौन से वेजिटेबल लगाए जाएंगे? टमाटर और जो है बैंगन, क्या है टमाटर और बैंगन यहाँ पे जो है लगाया जाएगा। और इससे जो है आप एक बात समझिए कि ये जो है पूरा का पूरा 15,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में जो है पूरा फैला हुआ है, इसको कवर किया गया हुआ है। 10,000 परिवारों को खिलाने जितना भोजन इससे पैदा किया जाएगा, इतना टारगेट रख के इसको बनाया गया हुआ है। स्थानीय स्तर पर खाद्य पदार्थों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए काम किया गया है। वहाँ लोकल एरिया है, वहाँ पर जो भी खाद्य पदार्थ की आपूर्ति नहीं हो पा रही है तो रूफटॉप पे ये पूरा का पूरा जो है सब्जियां, टमाटर बैंगन उगा के वहाँ की जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी की जा रही है। सो इसके बाद अगले खबर की तरफ चलेंगे। मैं कुछ स्टैटिक जो है जीके के क्वेश्चन भी इंक्लूड करना स्टार्ट करूँगा, कुछ थोड़ा सा और इसे क्रिएटिव बनाने की कोशिश करूँगा जिससे आपका नॉलेज थोड़ा सा और बेहतर हो पाए। सो मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा, मतलब नेक्स्ट वीक से मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ कि करंट अफेयर को प्रारूप को थोड़ा सा बदलूंगा। तब तक के लिए बियर कीजिए मुझे। FCRA रजिस्ट्रेशन टू गोल्डन टेम्पल पाथ ब्रेकिंग मूव। देखो एक बार समझो इस चीज़ को, FCRA रजिस्ट्रेशन है। देखिए क्या होता है कि जब भी किसी संस्था को फॉरेन से फंडिंग लेनी होती है तो FCRA ये एक्ट है, ये 2010 में जो है ये एक्ट बनाया गया था, ठीक है। तो ये अंशदान विनिमयन अधिनियम है, इसके तहत मंजूरी लेनी होती है कि आपको फॉरेन फंडिंग लेनी है कि नहीं लेनी है। और इसका अगर मैं बात करूं कि इंग्लिश में जो फुल फॉर्म है फॉरेन कंट्रीब्यूशन, पहले जो है रेगुलेशन था, एक्ट इसको बोला जाता है 2010, इसके तहत जो है पंजीकरण मिल गया है श्री हर मंदिर साहिब को। अब इससे क्या होगा, इससे एक बात ये होगा कि अब जो भी हमारे सिख भाई बहन हैं जो बाहर रहते हैं और वहाँ से वो फंड भेजेंगे तो उस फंड का इस्तेमाल यहाँ पर जो लोग रहते हैं, जो हर मंदिर साहब में आपको पता होगा कि गोल्डन टेम्पल में बहुत सारे लोग जाते हैं, वहाँ पे खुद ही खाना बनाते हैं, सेवा करते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं वहाँ खाना खाते हैं, तो खाना सबके लिए मुफ्त में रहता है। तो ये जो फॉरेन फंडिंग जो है जब भी इस संस्था को आएगा, तो इस संस्था को फॉरेन फंडिंग आने से फ़ायदा क्या होगा कि वहाँ पर जो फंड है वो और मजबूत होगा। और बहुत सारे ऐसे जो है सिख भाई बहन हैं जो बहुत फंड वाइज बहुत स्ट्रांग है, जो है फॉरेन में बसे हुए हैं, तो ये जो है इसको क्या है अनुमति दी गई है कि भाई अब FCRA के अंदर इसका रजिस्ट्रेशन हो जाए और ये फॉरेन फंडिंग ले सके। तो ये क्वेश्चन आपके पास आएगा जो है एग्जाम में आ सकता है कि FCRA 2010 के अंतर्गत जो है किसको क्या किया गया है रजिस्ट्रेशन और पंजीकरण किया गया है, तो ये आपका गोल्डन टेम्पल है श्री हर मंदिर साहब, ये नाम है। सो याद रखिएगा। और 12 बज रहा है तो हल्का हल्का आंखों में नींद है, तो मुझे आज बेयर कीजिएगा, मैं थोड़ा जोश और एनर्जी बनाए रखे रहूँगा पूरे के पूरे इस लेक्चर के दौरान पे, और थोड़ा सा ब्रीफ रहूँगा। PM लॉन्चेस प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एंड ई गोपाला ऐप। प्रधानमंत्री ने दो चीज़ें लॉन्च की है, एक तो ई गोपाला ऐप लॉन्च किया है और दूसरा क्या है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। मत्स्य संपदा योजना, देखो जो योजनाएं बनाई जाती है, योजनाएं लॉन्च की जाती है, तो उनका जो नाम होता है वो नाम इस तरीके से रखा जाता है कि उसी में उसका पूरा थीम रखा गया है। जैसे मैं समझाने की कोशिश करूं कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसका ये मतलब है कि मछलियां
और मछलियों से रिलेटेड जितना भी व्यापार होता है, ठीक है, उसको लेके ये योजनाएं बनाई गई है। और एक ई गोपाला ऐप बनाया गया है। ये गोपाला आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला गोपाला है, कृष्णा गोपाला, वहाँ से आपको फीलिंग डालनी पड़ेगी। पशुपालन से रिलेटेड ये ऐप होगा जो है बेसिकली, और पशुपालन से रिलेटेड ये ऐप मैं बस जनरल समझने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हम कुछ कुछ नाम से ही सेंस में आ जाए कि अगर मान लीजिए हम कभी नहीं पढ़े या भूल गए हैं तो हमको ऑप्शन कैसे टिक करना होता है। ई गोपाला ऐप, गोपाला कृष्ण भगवान जैसे अब उनको गोपाला बोला जाता है, तो वहाँ पे जो है आपकी गाय भैंस इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, तो इसके अंदर जो इस ऐप के अंदर होगा इसी से रिलेटेड चीज़ आएगी। चलो लेकिन थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसके विषय में थोड़ा सा डिटेल, कि बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य को 294.53 करोड़ रुपए की जो है योजना की सौगात दी है। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY का शुभारंभ किया है। साथ ही किसानों के प्रत्यक्ष उपयोग के लिए एक समग्र नस्ल सुधार बाजार और सूचना संबंधी ई गोपाला ऐप की शुरुआत की है। देखो तो ई गोपाला ऐप में क्या क्या मिलने वाला है, पहले तो मैं आपको जनरल ब्रीफ कर देता हूँ। ये एक तरीके का ऐप है। इस ऐप में क्या होगा कि आपके पशुपालन से रिलेटेड बहुत सारी जो है इन्फॉर्मेशन होगी। अभी क्या होता है कि बीच में बहुत सारे बिचौलिए होते हैं तो किसान का बहुत सारा पैसा मर जाता है, तो इस ऐप के माध्यम से सरकार क्या काम करती है, जो बिचौलियों का रोल है वो ख़त्म कर दिया जाए। जैसे जो इन्फॉर्मेशन है जो लोगों को नहीं पता है वो इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली जो है इस ऐप में मिल जाए। इससे वो क्या होगा, ये इससे वो जो है अपना पशुपालन ये सारा का सारा चीज़ जो है इम्प्रूव कर पाएंगे। इसके बाद थोड़ा सा और बात करें कि ये जो योजनाएं हैं इसको शुरू करने का मेन रीज़न क्या है। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि 21वीं सदी तक जो है भारत आत्मनिर्भर भारत की तरफ पहुंच पाए और ऊर्जावान बन पाए। ये सारा का सारा जो पहल है 2021 तक भारत को आत्मनिर्भर बनाने की है। बिहार के पटना, पूर्णिया, सीतामढ़ी, मधुपेरा, किशनगंज और समस्तीपुर में अनेक सुविधाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इससे मछली उत्पादकों को नया इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है, इसमें आधुनिक उपकरण मिलेंगे, नया मार्केट भी मिलेगा, तो ये कुछ दिया गया है। अब एक बार समझिए कि पीएम ने वहाँ पे एक अभिभाषण दिया, अभिभाषण में बहुत सारी जो है चीज़ें डिस्कस की, तो थोड़ा सा एक बार ब्रीफ देख लेते हैं कि उन्होंने अपने इस भाषण में संबोधन में क्या क्या कहा है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर बनाई गई है, ये ऐसा प्रधानमंत्री का कहना है। आज देश के 21 राज्यों में इस योजना का शुभारंभ हो रहा है। अगले 4-5 वर्षों में इस पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा, ऐसा उनका कहना है। और 1700 करोड़ रुपए का काम अभी शुरू हो रहा है, ऐसा उनका कहना था। देश के हर हिस्से में समंदर और नदी किनारे बसे जितने भी क्षेत्र हैं मछली व्यापार कारोबार को ध्यान में रखते हुए पहली बार देश में इतनी बड़ी योजना बनाई गई। आज़ादी के बाद इस पर जितना निवेश हुआ है उससे भी कई गुना ज़्यादा निवेश प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पर किया जा रहा है। कहने का मतलब है प्रधानमंत्री ये समझाना चाहते थे कि अब तक जितना भी इन्वेस्टमेंट किया गया उससे बड़ा इन्वेस्टमेंट इस इन्वेस्टमेंट के थ्रू है, जो वो तकरीबन जो अगले 4-5 सालों में 20,000 करोड़ डालने वाले हैं, जिसमें से 1700 करोड़ जो है अभी भी इन्वेस्ट हो रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि से भी देश के 10 करोड़ से ज़्यादा किसानों के बैंक खातों में सीधा पैसा पहुंचाया गया है, ये उनका संबोधन था। इसमें करीब 75 लाख किसान बिहार के भी हैं। अब तक करीब 6,000 करोड़ रुपए बिहार के किसानों के बैंक खाते में डाला गया। उन्होंने ये पॉइंट हाईलाइट किया है कि 6,000 करोड़ कोविड से फाइट करने के लिए एक्चुअली फंड एलोकेट किया गया है और डायरेक्ट किसान के जो है अकाउंट्स में डाला गया, और ये अच्छी बात भी है, एक अच्छी पहल भी है कि हमारे किसान भाइयों को मदद मिल पाए। मैं तो ठहरा गांव वाला बंदा, तो मैं समझ सकता हूँ कि क्या वहाँ पे प्रॉब्लम है। वहाँ पे बहुत छोटा छोटा अमाउंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ई गोपाला ऐप एक ऐसा डिजिटल माध्यम होगा जिससे पशुपालकों को उन्नत पशुधन को चुनने में आसानी होगी, उनको बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी। पशुपालकों को उत्पादकता से लेकर उसे स्वास्थ्य और आहार से जुड़ी तमाम जानकारियां इस ऐप पे मिलेगी, ये उन्होंने अपने संबोधन में बोला। उन्होंने कुछ और बातें भी बोली कि अब भारत उस स्थिति की तरफ बढ़ रहा है जब गांव के पास ही ऐसे क्लस्टर बनेंगे। उन्होंने बोला कि एक ऐसा क्लस्टर बनाया जाएगा जहां फूड प्रोसेसिंग वहीं पे होगा, उससे जुड़े उद्योग भी वहीं होंगे और रिसर्च सेंटर भी वहीं होगा। तो प्रधानमंत्री जी का ये कहना था कि जितना भी गांव से रिलेटेड उत्पादन होता है वहीं पे फूड प्रोसेसिंग यूनिट बनाएंगे हम, वहीं पे जो है उद्योग लगाएंगे और वहीं पे जो है रिसर्च सेंटर, ये तीन के तीनों चीज़ वहीं पे बनाएंगे, ऐसा उन्होंने अभिभाषण में कहा। ये भाषण की बात है जो मैं ब्रीफ कर रहा था आपको। इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं न्यूज़ में, और ये न्यूज़ है रियल मैंगो। रियल मैंगो यार एक जो है इलीगल सॉफ्टवेयर है जिसको RPF ने, रेलवे सुरक्षा बल वालों ने ढूंढ निकाला है, और ढूंढ निकालने के बाद जो है बेसिकली जो है ये बताया है कि ये क्या है, एक इलीगल सॉफ्टवेयर है। ये इलीगल सॉफ्टवेयर करता था क्या था कि जो यात्री के विवरण होते हैं और उनकी भुगतान का विवरण है, ये ऑटोमेटिकली ये सॉफ्टवेयर उसमें भर देता था। इसके पहले जो है कुछ चीज़ें और की गई थी 2019 से मार्च 2020 के बीच में, और कुछ कार्रवाई की गई थी जिसमें से ब्लैक TS
टिकटॉक, आईबॉल, रेडबुल, मैक जैसे ये कई सारे और छह अवैध सॉफ्टवेयर का पता लगाया गया था उस वक्त 2019 से मार्च 2020 तक, दिसंबर 2019 से मार्च 2020 तक ये डिटेल भी निकाला गया था। आरपीएफ की फील्ड इकाइयों द्वारा 9 अगस्त 2020 को अवैध सॉफ्टवेयर के संचालन का पता लगाया गया। ये 9 अगस्त 2020 को बेसिकली ये इलीगल सॉफ्टवेयर का जिसका नाम है रियल मैंगो, पहले इसका जो नाम है रियर मैंगो था, बाद में इसका नाम जो है रियल मैंगो कह दिया गया था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि किस सॉफ्टवेयर, किस इलीगल सॉफ्टवेयर का पता जो आरपीएफ ने लगाया है उसका इससे पहले नाम क्या था, रियल मैंगो था। और इलीगल जो सॉफ्टवेयर है ये रियल मैंगो, इसका काम क्या था, ये यात्री विवरण को और भुगतान विवरण को ये ऑटोमेटिक भर देता था। अब जैसे आप मान के चलिए कि अगर आप टिकट बुक करने जा रहे हो तो आपको पता ना सुबह सुबह बहुत जल्दी जल्दी टिकट बुक करना होता था, तो ये सॉफ्टवेयर क्या करता था, ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली जो है सारा का सारा जो डेटा है पहले से होता था खटाखट भर देता था, जिससे टिकट ऑटोमेटिकली बुक हो जाती थी और बाकी जो आम जनता उनको टिकट नहीं मिलती थी। तो ये सॉफ्टवेयर का जो है आरपीएफ ने पता लगा दिया है, और पता लगाने के बाद आपको पता है बैन हो जाती है चीज़ें। इसके बाद ये बड़ा ब्रेक थ्रू था क्योंकि इलीगल सॉफ्टवेयर का पता लगाना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बैंक ऑफ बड़ौदा जो है इसने ईस्ट 2.0 इंडेक्स में जो है टॉप किया है, ठीक है, ये दिया है जो है आईबीए ने एक रैंकिंग निकाली है ईस्ट 2.0 इंडेक्स, और इस इंडेक्स में क्या हुआ, सुधार किया। बैंक ऑफ बड़ौदा का हाल ही में जारी ईज बैंकिंग सुधार सूचकांक, ये बैंकिंग सुधार सूचकांक 2.0 में पहला स्थान मिला है, तो दूसरा स्थान किसको मिला है, भारतीय स्टेट बैंक को मिला है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ओबीसी को तीसरा मिला है, स्टेट बैंक को दूसरा और ओरिएंटल बैंक को तीसरा स्थान मिला है। भारतीय बैंकिंग संघ आईबीए जिसको बोलते हैं इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन, इसके द्वारा ईज जो है, और ईज का फुल फॉर्म क्या है, ईएसई, इसका फुल फॉर्म इनहेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सेलेंस सुधार सूचकांक को तैयार किया गया है। अब इस बात को समझिए, मैं जनरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ ईज 2.0 को, कि किस तरीके की जो रैंकिंग है इसमें ये मेंशन किया गया है इनहेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सेलेंस। कहने का मतलब है कि ये जो बैंक रही है आपकी बैंक ऑफ बड़ौदा, इसने अपना पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, जो सिस्टम है, उसको बहुत स्मूथन किया है। और कितना जो है बैंकिंग का जो प्रोसीजर है डिफ़िकल्ट है, और कौन कौन बैंक जो है क्या क्या स्टेप मेजर कर रही है, जो सूचकांक बनाया गया जिसको ईज का जो नाम दिया गया था ईज 2.0, इसमें ये पाया गया कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो है अपना सिस्टम बहुत ईज किया है, प्रोसेस बहुत ईज किया है, ताकि जो बैंकिंग है वो आसान हो सके, इसीलिए इसको जो है पहला रैंक मिला है, भारतीय स्टेट बैंक को दूसरा मिला है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को तीसरा बना है। तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है। इस सूचकांक को जारी करने का उद्देश्य समझिए, इसका सार्वजनिक उपक्रम के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और उन्हें एक दूसरे से सीखने के लिए प्रोत्साहित करके पीएसबी में जरूरी बदलाव लाना है। अब एक बात समझिए कि काम क्या रहा है, जब इस तरीके के इंडेक्सेस जारी होते हैं तो उसमें ये बताया जाता है कि भाई ये पैरामीटर है, इस पैरामीटर पे हम इनको रैंक वन कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि एक बैंक और दूसरे बैंक के बीच में प्रतिस्पर्धा जो है होती है, और दूसरा बैंक पहले बैंक से आगे जाने की कोशिश करता है। तो बेसिक जो पर्पज़ है आईबीए का वो यही था, और आईबीए का फुल फॉर्म इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन, आप ये याद रख सकते हो। ईज जो सूचकांक है वो आईबीए द्वारा ही जो है जारी किया गया था। इसके बाद अगली खबर की तरफ चलेंगे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेके, ये हिमाचल प्रदेश ने जो है फर्स्ट स्टेट बना है ये इसको इम्प्लीमेंट करने को लेके। तो हिमाचल प्रदेश ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू कर दिया है, और ये पहला स्टेट बन गया इसको लागू करने के बाद। तो हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल थे 8 दिसंबर 2020 को मंजूरी इन्होंने दिया। इसके बाद शिक्षा सचिव ने इस पर आधिकारिक सूचना जो है वो क्या किया, अधिसूचना जारी कर दी है। तो सफलतापूर्वक ये जो है लागू हो गया है। 43 सदस्यों की टास्क फोर्स का इसके लिए गठन भी किया गया है कि सुचारू रूप और सफलतापूर्वक इसे अप्लाई भी किया जा सके। तो 43 सदस्यों की टास्क फोर्स का गठन किया गया है। आज के लिए आपको जो क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन आपको ये बताना है कि जो राज्यपाल हैं हिमाचल प्रदेश के, उनका नाम क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का नाम क्या है। 43 सदस्यों की टास्क फोर्स के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर को मिली है, इस बात को याद रखिएगा। बता दें कि 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव हुआ है, और 34 साल पहले यानी 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब बनाई गई थी, 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी, तो ये बात भी आपको याद रखना होगा। और इसके बाद तकरीबन 3 दशक के बाद कोई बड़ा बदलाव आया हुआ है हिमाचल प्रदेश में। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लागू होने के बाद यहाँ शिक्षा में कई अहम बदलाव हो सकते हैं, और ये अहम बदलाव क्या क्या हो सकते हैं, परीक्षा पैटर्न बदल दी जा सकती है और पाठ्यक्रम बदल दिया जा सकता है। तो कुछ अहम बदलाव तो आएगा क्योंकि नया शिक्षा नीति आया, इसका मतलब है कि शिक्षा का जो है अमूल चूल परिवर्तन होगा। रात के 12 बज रहे हैं, सुबह से क्लास लेते लेते मुंह में पानी आने लगा है, तो कई बार क्या होता है टंग स्लिप हो जाता है। सो बियर कीजिएगा मुझे आज की
रात जो है, और आप सुबह में ये वीडियो देख रहे हैं, इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं केरला के को लेके। केरला ने टॉप किया है एनएसओ रिपोर्ट में, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, इसके एक सर्वेक्षण हुआ है भारत में साक्षरता को लेके। जब भी साक्षरता की बात आती है तो यार केरल हमेशा ही टॉप करता है, हर साल ही टॉप कर जाता है, क्योंकि केरल में जो साक्षरता दर है वो बहुत ज़्यादा है। केरल में जो साक्षरता दर है वो इतना ज़्यादा है, इट्स लाइक कि 96.2% लोग, 100 में से 96.2 लोग यहाँ पे साक्षर हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश जो है सबसे निचले स्थान पे रहा है केरल के साथ साथ, केरल सबसे ज़्यादा और आंध्र प्रदेश। अब सोचो कि अगर मैं थोड़े मैप की बात करूँ तो ये रहा आपका केरल, ठीक है, कर्नाटक हो गया, ये तमिलनाडु हो गया, ये आंध्र प्रदेश हो गया, जरा सा डिस्टेंस है, लेकिन ये साक्षरता दर यहाँ पे मैक्सिमम, ये साक्षरता दर मिनिमम। अब ये ऐसे मत ले लीजिएगा क्योंकि मैं फिगर थोड़ा सा यहाँ बता, ये होता है आपका आंध्र प्रदेश, ये होता है आपका तमिलनाडु, ये केरला, ये कर्नाटका, ये चारों आपस में जुड़े रहते हैं। आप सोचो कि जरा सा डिस्टेंस है, केरल टॉप कर रहा है और आंध्र प्रदेश क्या है, मिनिमम। और आंध्र प्रदेश में जो है जो साक्षरता दर है वो देख रहे हो 66.4% है, मतलब कितना कम है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75वें दौर के तहत, ये 75वां दौर है, जुलाई 2017 से जून 2018 के बीच में पारिवारिक सामाजिक उपयोग भारत में शिक्षा पर आधारित इस रिपोर्ट में 7 साल या उससे अधिक आयु के लोगों के बीच साक्षरता दर की राज्यवार जानकारी दी गई है। सर्वेक्षण के अनुसार देश की साक्षरता दर की बात करें तो 77.7 है और देश के ग्रामीण इलाकों की साक्षरता दर की बात करें तो 73.5 है और शहरी इलाकों की बात करें तो 87.7% है और पुरुषों की बात करें तो 84.7 है और महिलाओं की साक्षरता दर की बात करें तो 70.3% है। तो डेटा देख रहे हो, डेटा केरल का कितना ज़्यादा है, 96.2। और वैसे भी जब भी साक्षरता दर की बात आती है कि सबसे ज़्यादा शिक्षित तो किस राज्य में पाए जाते हैं, भाई साहब हम आँख बंद करते बता देते केरल। 2015 में तैयारी कर रहा था तब से केरल का नाम आ रहा है, 2020 आ गया तब भी इसको कोई क्रॉस नहीं कर पा रहा है। और बट ऑब्वियस बात है, कोई क्रॉस नहीं कर पाएगा, कोई इसके बराबर पहुंचे तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पहले से शिक्षित है। तो जो शिक्षित लोग हैं वो अपने राज्य को और शिक्षित ही बनाएंगे, हमारे यूपी बिहार की तरह नहीं है। अब तो आंध्र प्रदेश का नाम मैंने पहली बार सुना इस बार, इसके पहले मुझे भी जानकारी नहीं थी कि आंध्र प्रदेश का इतना बुरा हाल है साक्षरता दर को लेके। और ये बुरी बात है साक्षरता दर को लेके, और आंध्र प्रदेश सरकार को इसके लिए कुछ पहल उठानी चाहिए। इसके बाद है एपी लॉन्च्ड YSR संपूर्णा पोषण एंड YSR संपूर्णा पोषण प्लस स्कीम। देखो यार भाई साहब, ये फिगर देख के कुछ चीज़ें समझ में आ जाती है कि YSR संपूर्णा और पोषण, और पोषण प्लस दो चीज़ें, पोषण और पोषण प्लस जो है किया गया है अधिकार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ठीक है, ये डिस्कस करते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगमोहन रेड्डी, ठीक है, मेरी टंग थोड़ी स्लिप हो रही है क्योंकि नाइट है, पानी आ रहा है मुंह में, ने राज्य की गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए दो पोषण योजनाएं YSR संपूर्ण पोषण और YSR संपूर्ण पोषण प्लस, इस दोनों की शुरुआत की है। और बेसिकली यार ये जो योजनाएं हैं हमारी सरकारें बना तो देती हैं, मैं थोड़ा क्रिटिकल हो जाऊंगा क्योंकि फिर वो पता ना आपको धांधली कितनी चलती है, लेकिन एटलीस्ट जो सरकार है वो स्कीम्स बनाती है और इस स्कीम का फ़ायदा अगर ग्रास रूट लेवल पे अगर मिल पाए तो यार कितना बेनिफिट, आप सोच के देखो कि हमारी सरकारें कितना बेहतर काम कर रही हो। लेकिन अगर फंड वो अगर वो समुंदर वहाँ से बनाते हैं तो यहाँ से जो स्कीमों के नीचे जाती है ना वो भाई बूंद बूंद टपक के जाती है। इन्होंने यहाँ से समुंदर भेजा है और यहाँ से बूंद बूंद टपक के पहुँचती है, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। लेकिन चलिए बात करते हैं करंट अफेयर के मेन मुद्दे की। तो ये दो है, एक तो है YSR संपूर्ण पोषण और YSR संपूर्ण पोषण प्लस की शुरुआत की है। YSR संपूर्ण पोषण योजना में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के मैदानी इलाकों को कवर किया जाएगा, जबकि YSR संपूर्ण पोषण प्लस योजना में राज्य के 77 आदिवासी क्षेत्र को। तो जो संपूर्ण पोषण प्लस है वो आदिवासी को लिए है और जो संपूर्ण योजना है वो ग्रामीण और मैदानी इलाकों के लिए है, क्योंकि आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो आदिवासी क्षेत्र हैं, आदिवासी क्षेत्र यार ज़्यादा मतलब ऐसा होता है कि उनकी स्थिति ज़्यादा खराब होती है, तो जब स्कीम बनाई गई तो उसका नाम दे दिया गया कि भाई इस पर्टिकुलर इलाके के लिए हम प्लस का नाम देंगे, मतलब हमें ज़्यादा जरूरत पूरी करनी पड़ी, प्लस और प्लस विदाउट प्लस, विदाउट प्लस मतलब कम हो गया, प्लस का मतलब एक स्टेप अहेड हो गया, तो आदिवासी लोगों को ज़्यादा जरूरत होगी। इसमें 8320 आंगनबाड़ी केंद्रों को विशेष रूप से पौष्टिक भोजन की आपूर्ति कराने का जो है व्यवस्था किया गया है। तो ये नंबर याद रख सकते हैं, 8320 आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से ये पौष्टिक भोजन पहुँचाए जाएंगे। इन दोनों योजनाओं से लगभग 30.16 लाख जो है महिलाओं, माताओं और बच्चों को लाभान्वित करने का जो है प्रयोजन है। लेकिन ये 30.16 जो पेपर पे है ये 30.16 है, मैं फिर से क्रिटिकल हो रहा हूँ क्योंकि हमारी सरकारें ऐसी ही हैं। अगर ये पूरा का पूरा जो है
मास जो है अगर लाभान्वित हो पाए और राइटफुल तरीके से जो फंड एलोकेट हो रहा है वो यहाँ तक पहुँच पाए, तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती है। लेकिन हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्रिटिकल होने के बजाय सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर फोकस रखते हैं। इसके बाद है संस्कृत ग्राम्स प्रोग्राम उत्तराखंड में। उत्तराखंड में 2 गांव के निवासियों को संस्कृत सिखाने के लिए एक पायलट कार्यक्रम में उल्लेखनीय प्रगति के बाद उत्तराखंड सरकार ने राज्य भर में संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया। तो उत्तराखंड के 2 गांव के निवासियों को संस्कृत सिखाने का जो है काम एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, वहाँ पे 2 गांव को जो निवासी हैं उनको सिर्फ संस्कृत सिखाए जाने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था। पायलट प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ है तो उन्होंने क्या काम किया कि पूरे राज्य भर में संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है। उत्तराखंड में संस्कृत दूसरी आधिकारिक भाषा है, ये पहली नहीं दूसरी आधिकारिक भाषा है। आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि पहली आधिकारिक भाषा क्या है। उत्तराखंड में संस्कृत भाषा के प्रचार के लिए पहले जिला स्तर पर और फिर ब्लॉक स्तर पर अभियान चलाया जाएगा, ऐसा उनका प्रयोजन है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उत्तराखंड संस्कृत अकादमी की एक बैठक में इस अकादमी का नाम बदलकर उत्तरांचल संस्कृत संस्थानम हरिद्वार कर दिया गया है। सो संस्कृत ग्राम प्रोग्राम उत्तराखंड का है, इस चीज़ को आपको याद रखना है शॉर्ट में। और उसके बाद कर्नाटका सीएम इनॉग्रेट्स फ्लाईओवर नेम्ड आफ्टर वीर सावरकर। वीर सावरकर के नाम पे जो है एक फ्लाईओवर जो है नया है, उसका उन्होंने उद्घाटन किया। देख रहे हो भीड़ और भक्कड़। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदुरप्पा, ये एक बार भ्रष्टाचार के आरोप में जो इन्हें इस्तीफा भी देना पड़ा, बाद में मुक्त हो गए, फिर जो है बीजेपी में फिर से शामिल हुए और फिर से मुख्यमंत्री बन गए। बेंगलुरु में वीर सावरकर फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। वीर सावरकर के नाम पे ही ये फ्लाईओवर बनाया गया है। शहर के मेजर संदीप उन्नीकृष्णन रोड पर 400 मीटर लंबे फ्लाईओवर का निर्माण किया गया। तो जो रोड है वो उन्नीकृष्णन रोड है, ये रोड याद रख सकते हैं। 400 मीटर लंबे फ्लाईओवर का निर्माण किया गया है। बेंगलुरु के निगम निकाय बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका BBMP ने 34 करोड़ रुपए की लागत से इस फ्लाईओवर का निर्माण किया है। इस फ्लाईओवर में तकरीबन 34 करोड़ लगे हैं। इस फ्लाईओवर के निर्माण की परियोजना सितंबर 2017 में शुरू हुई थी, अब जाके 2020 में ख़त्म हुई। बड़ी बात है यार, कितने पैसों का है, 34 करोड़ का। गबन करने में एक दिन लगता है और बनाने में कितना लंबा समय लगता है, तो 34 करोड़ और 3-4 साल काफ़ी लंबा होता है, 17 से लेके जो है 2021 तक। गलत सब्जेक्ट पकड़ लिया है, बहुत क्रिटिकल होने लगा हूँ मैं। अयोध्या एयरपोर्ट टू बी नेम्ड आफ्टर लॉर्ड राम। अब अयोध्या एयरपोर्ट का नाम लॉर्ड राम के नाम पर रखा जाएगा, सही है, यही तो होता है। अयोध्या एयरपोर्ट अब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम से जाना जाएगा। एयरपोर्ट भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा। योगी सरकार ने नाम बदलने और एयरपोर्ट का दायरा बढ़ाने की कवायद शुरू कर दी है। यह उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का 5वां एयरपोर्ट होगा। इसके पहले 4 और एयरपोर्ट हैं। अब उन 4 एयरपोर्ट का नाम आप रट्टा मारोगे, जानोगे, कोई मतलब नहीं, एग्जाम में पूछेगा नहीं। एयरपोर्ट का निर्माण 2021 में दिसंबर माह तक पूरा गया। आपके एग्जाम में जो आएगा वही है, अयोध्या एयरपोर्ट को अब क्या बोला जाएगा। तो राम के नाम पे रखा जा रहा है, पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पे रखा जा रहा है। माना जा रहा है कि राम मंदिर बनने के बाद यहाँ राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय श्रद्धालु और पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, इसी वजह से इस एयरपोर्ट का नाम बदला जा रहा है। तो योगी सरकार बेसिकली करना क्या चाहती है, बस वही है कि जो एयरपोर्ट है वो अयोध्या एयरपोर्ट बोली जाती थी, अब भाई राम मंदिर बन रहा है तो एयरपोर्ट का नाम भी वो बदल रही सिंपली। और थोड़ा सा इनोवेशन मारने वाली है ताकि जो बाहर से लोग आते हैं तो हमें थोड़ा सा और फंड आ सके वहाँ पे रहने के लिए, और उसको थोड़ा सुंदर बनाने का काम चल रहा है। तो उन्होंने नाम परिवर्तन का डिसाइड किया और कर दिया है। अब इसके बाद न्यूज़ फटाफट में आज डिस्कस करेंगे कि 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन IASP द्वारा हर साल 10 सितंबर को दुनिया भर में आत्महत्याओं को रोकने का दिन मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य दुनिया भर में आत्महत्या को रोकने के लिए जागरूकता बढ़ाना है। वर्ष 2020 विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस का विषय है और वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड ये एक थीम है, और इसको याद रख सकते हो, वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड, एक साथ काम करना ताकि हम सुसाइड को प्रिवेंट कर सके। इसके बाद अगले सेक्शन की बारी है हमारी, जो कि हमारी वन लाइनर है। फटाफट वन लाइनर को देखेंगे। पशुधन के प्रबंधन के लिए प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किए गए नए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, ई गोपाला ऐप है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य निम्न में से कौन बना हुआ है, हिमाचल प्रदेश। और आज के दिन का पहला क्वेश्चन भी यही था, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस एयरपोर्ट का नाम भगवान श्रीराम के नाम पे रखने की घोषणा की है, अयोध्या एयरपोर्ट की। किस राज्य ने साक्षरता दर पर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO सर्वेक्षण में शीर्ष स्थान हासिल किया है, केरल ने। किस राज्य सरकार ने 2 पोषण योजनाएं YSR संपूर्ण पोषण और YSR संपूर्ण पोषण प्लस की शुरुआत की है, आंध्र प्रदेश ने किया है, और ये सरकार है। और विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 2020 का विषय क्या है, वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड, ये याद रखिएगा। ये जो विषय है, जो थीम है, वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड, ये थीम है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, अक्सर करके पूछ लिया जाता है, थीम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। किस राज्य सरकार ने राज्य भर में संस्कृत ग्राम
विकसित करने का निर्णय लिया है। उत्तराखंड ने एक पायलट प्रोजेक्ट चलाने के बाद यह निर्णय लिया है। किस बैंक को हाल ही में जारी ईज बैंकिंग सुधार सूचकांक 2.0 में पहले स्थान पर रखा गया है? बैंक ऑफ बड़ौदा को रखा गया हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा रूफ टॉप ग्रीन हाउस कहाँ पर खोला गया है? मॉन्ट्रियल कनाडा में खोला गया हुआ है। बेंगलुरु के निगम निकाय बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका BBMP ने कितने करोड़ रुपए की लागत से वीर सावरकर फ्लाईओवर का निर्माण किया है? 34 करोड़ की लागत से। याद रखिएगा, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल RPF ने एक देशव्यापी अन्वेषण में एक अवैध सॉफ्टवेयर जिसका उपयोग रेलवे में आरक्षण की पुष्टि के लिए किया जाता था के संचालन को नाकाम किया है। यह है रियल मैंगो। क्या है? यह है रियल मैंगो, सही वाला मैंगो, ऐसे याद रखना, रियल रियल वाला मैंगो। हाल ही में केंद्रीय गृह रियर मैंगो, इसका पहले का नाम था रियल मैंगो, बाद में बदला गया। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने भारत के किस मंदिर को विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम FCRA 2010 के तहत पंजीकरण की अनुमति दी है? गोल्डन टेंपल को दी है। तो ये आप याद रखिएगा, गोल्डन टेंपल को दी है। और इसके बाद है अगला सेक्शन आपका MCQ का सेक्शन, फटाफट आप लोग जवाब देंगे मन में। किस राज्य ने साक्षरता दर पर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO संरक्षण में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ये प्राप्त किया है आपका, आपका कहाँ पे बात कर रहे हैं, राष्ट्र NSO में, केरल ने, साक्षरता दिवस है केरल ने, मैं थोड़ा मिस कर रहा था। इसके बाद है पशुधन के प्रबंधन के लिए प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किए गए नए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? ई गोपाला ऐप है, और ध्यान रखिएगा ई गोपाला ऐप। और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य निम्न में से कौन बना है? ये पढ़ा है आपका हिमाचल प्रदेश, किधर पे, चौथे नंबर पे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस एयरपोर्ट का नाम भगवान श्री राम के नाम पर करने की घोषणा की है? ये आपका अयोध्या एयरपोर्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, किस राज्य सरकार ने दो पोषण योजनाएं YSR संपूर्ण पोषण और YSR संपूर्ण पोषण प्लस की शुरुआत की है? आंध्र प्रदेश ने किया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य भर में संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है? ये लिया है आपका उत्तराखंड सरकार ने। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। किस बैंक को हाल ही में जारी ईज बैंकिंग सुधार सूचकांक 2.0 में पहले स्थान पर रखा गया है? ये रखा गया है बैंक ऑफ बड़ौदा को, SBI को दूसरे और ओरिएंटल बैंक को तीसरे पे रखा गया है। दुनिया का सबसे बड़ा रूफ टॉप ग्रीन हाउस कहाँ पर खोला गया है? और ये मॉन्ट्रियल कनाडा में खोला गया है। और इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है, बेंगलुरु के निगम निकाय बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका BBMP ने 34 करोड़ रुपए की लागत से वीर सावरकर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है, इस पुल का निर्माण किया, ओवरफ्लाई का निर्माण किया है। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल RPF ने एक देशव्यापी अन्वेषण में एक और अवैध सॉफ्टवेयर जिसका नाम है रियल मैंगो, और रियल मैंगो जिसका उपयोग रेलवे में आरक्षण की पुष्टि के लिए किया जाता है के संचालन को नाकाम किया हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उसके पहले सही है ना, हाँ, रियल ग्रेप्स रियल मैंगो सब सही है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारत के किस मंदिर को विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम FCRA 2010 के तहत मंजूर किया है? गोल्डन टेंपल को किया है। और इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 2020 का विषय क्या था? वर्किंग टूगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड, ये आपका ऑप्शन नंबर 3 है। और ये रहा आपका आज का करंट अफेयर। और मेरा जोश और उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक का बटन हिट करते हुए जाइएगा, अपने सुझाव मेंशन करते रहिएगा। मंडे से मैं आपके सारे सुझाव जो है इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ, कुछ अपने इनोवेशंस करंट अफेयर में डालने वाला हूँ, ताकि आपका जो करंट अफेयर का जो समय है, कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ले पाएँ। थैंक यू गाइस।